हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ना मैं आपको अपना ये गांव का घर दिखाऊंगी, और मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं रात को 11 बजे यहाँ आई, और आप ये समझिए मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि क्या बताऊँ। मैं 14 साल यहाँ पे रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके खुला खुला सा। जैसे गांव का क्या होता है ना कि जो आंगन होता है, मेन पॉइंट आंगन होता है, आंगन एकदम ओपन होता है। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी एकदम पैक सा होता है, बालकनी तो होती है, बट आप जब बालकनी में जाएंगे तभी, और वो भी अगर आप देखो कि अच्छे से लिए हैं सोसाइटी में तो ही मकान अच्छा सा मिल जाता है फ्लैट। और अगर नहीं समझ में आया, अगर वो पैक सा हो गया तो, और हम लोग तो गांव में रहे हैं तो सोसाइटी कुछ कम पसंद आती है, बट क्या करें रहना। चले अपने ये घर दिखाऊं, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा कि मेरा मकान कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। मैं अकेली हूँ एक्चुअली, तो सारी वीडियो मैं ही शूट करूँगी, कोई और नहीं है कि दिखा के और फिर शूट होगा। तो चलिए मैं ही दिखाती हूँ। और क्या है ना कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ना पर्दा करना पड़ता है, तो मैं घूंघट करके और फिर करूँगी, कोई और नहीं है। नहीं तो मैं मतलब कि पूरी वीडियो अपनी भी बनवाती कि मैं कैसे घूंघट करके और कैसे वीडियो बना रही हूँ, बट मुझे अकेले ही बनाना है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, और मैं ये करके फिर मैं ना जाऊँगी मम्मी के यहाँ। तो कल की वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा मेरे, मैं अपनी मम्मी के भी होम टूर कराऊँगी आप लोगों को। तो पहले मैं अपना ससुराल वाला घर दिखाती हूँ। ओके चलिए जी। आज मैं आप लोगों को अपना होम टूर करा रही हूँ, और ये हमारा ये क्या कहते हैं इसको गांव में ना ओसार बोलते हैं, तो ये हमारा ओसार है इस तरह से। इधर ना बाबूजी का नाम लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पे ना बाबूजी का नाम लिखा हुआ है। और ओसार में ना ये एक कमरा है, और इसमें लॉक लगा हुआ है, इसमें शायद कुछ सामान ऐसे ही सामान क्या, वही गांव में तो धान और गेहूं होता है वही सब रखा हुआ है, चावल वावल रखा हुआ है, और इसे दरवाजा बोलते हैं। तो ये ना जो हमारे यहाँ काम करती हैं उन्होंने गेहूं धुल के रखा है और चावल, ये हम ले जाएंगे लखनऊ। और ये ना जब हम गाँव में रहते थे ना तो ये वाला रूम माजी का था, ये रूम माजी का है, ये भी बंद पड़ा है। और एक्चुअली हम लोग रात में आए हैं ना तो साफ सफाई नहीं हुई है, तो ये अभी गंदा हुआ है। तो अभी ना जब अभी मैं चल रही हूँ अभी साफ सफाई थोड़ा सा कर दूंगी। एक्चुअली रहती तो हूँ ना, फिर भी जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे झाला झाड़ के और झाड़ू लगा देते हैं, पर अभी तो मैं कुछ नहीं की हूँ, अभी सो के उठी हूँ बस। और ये माँ जी जब रहती हैं तो इसी चौकी पे वो बैठती हैं, इधर ये चौकी रखी हुई है। और फिर हम ये आ गए अपने, ये आंगन है मेरा, ये आंगन। और इधर ना एक साइड ये रूम है, ये यहाँ पे ये सोफे वोफे रखे हुए हैं, बट इनका ना सीट टूट निकाल के वो उसमें यहाँ पे एक दीवान बेड भी है, तो इस दीवान बेड में सारी ये सोफे की जो सीट है उसमें रखी हुई है। एक्चुअली कोई रहता है नहीं तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये सेंटर टेबल उधर रखा हुआ है। तो अभी कुछ झाड़ू उड़ू तो लगा नहीं, अभी लगाऊंगी। तो और ये ना माँ जी की फोटो है, दो फोटो हैं बड़े बड़े, और इस रूम के बाद हमारा आता है ये किचन। किचन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसकी लाइट ही नहीं जल रही है, और ये किचन में तो अंधेरा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, लाइट नहीं जल रही है। तो
अभी थोड़ा सा और उजाला हो जाए ना, थोड़ा अभी सुबह है तो थोड़ा सा और उजाला हो जाए फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी किचन में भी। अभी तो कुछ कहीं कुछ भी मैंने नहीं किया है। और उनके किचन के बगल में ही ये रूम है, जब मेरे बच्चे रहते थे ना तो इसी रूम में पढ़ाई करते थे, यहाँ बुक वुक रखते थे, बट अभी तो सब ऐसे ही पड़ा है। और इस तरह से अभी जब हम लोग आ जाते हैं रहने के लिए, जैसे माँ जी आ जाती है ना तो एक बार अच्छे से साफ सफाई हो जाती है, पर अभी तो कुछ नहीं हो पाया है। देखिए नहीं, ये जो पहले गांव के बर्तन, गांव में बर्तन, ये क्या कहते हैं, खाना वाना बनाने के लिए शादी में, ये सब यहाँ पे हमारे यहाँ रखा हुआ है। और इसी ने मैं सोचूँ ना कि इसे अंदर रख के जाऊँगी, ये जो बॉक्स हैं, इसलिए कि ये ऐसे बाहर पड़े हुए हैं तो गंदे गंदे से हो रहे हैं, तो इनको ना मैं ये इस बॉक्स में रखूँगी, जिससे ये बॉक्स में भी बिस्तर भरे हुए हैं फिर भी स्पेस करके, और इनको ना मैं इन बॉक्स में रख दूँगी जिससे ये अच्छे से सेफ रहें और ख़राब ना हो, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलती हैं। और अच्छा लगता है ना कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें घर में रखती हैं तो। और मेरी मम्मी कहती हैं कि पुरानी चीज़ें जैसे बहुत पुरानी, जैसे सास के पर सास के, ये सब रखने से ना बड़ी बरकत होती है, तो होना चाहिए घर में, तो मैं इसको ना इस बॉक्स में रखूँगी। अभी तो फिलहाल शायद इतने ही है नहीं, और ये ना इसके नीचे भी रखा हुआ है, और बर्तन इसके नीचे रखे हुए हैं, तो सब अभी मैं बॉक्स में अपने रखूँगी, बॉक्स में डाल दूँगी। अभी ये पानी आ रहा है, यहाँ सप्लाई वाला पानी है, तो ये पानी ना मैं इस तरह से इसे ये पाइप लगा के ऐसे भरना पड़ता है। और ये तो टंकी रखी हुई है, और ये अभी हम लोग चले जाएंगे तो इसलिए ऐसे इतना ये थोड़ा सा पानी इसमें भर लिए हैं, नहा भा लेंगे बस हो गया, फिर हम चले जाएंगे, रुकना तो है नहीं, बहुत ज़्यादा पानी क्या करेंगे, इतना पानी तो बहुत है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना रूम, ये मेरा रूम, ये मेरा रूम है, और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, ये ड्रेसिंग टेबल मेरी शादी का है, ये मेरी शादी का ड्रेसिंग टेबल है, ये मतलब यहाँ जितना सामान रखा हुआ ना सब मेरी शादी का है, ये मेरी अलमीरा है। और ये जो वो होता है ना सिंदूरा, जो शादी में जाता है तो शादी होती है, तो ये यहाँ पे मैं अलमारी में रखती हूँ, बट लगता है पिछली बार आई थी इसको बाहर कर दी थी और भूल गई हूँ, तो यहीं पे रखा हुआ है। और इधर ये ऊपर भी बॉक्स रखे, सब में ना मेरी साड़ियाँ भरी पड़ी हुई हैं, और मैं लॉक नहीं लगाती हूँ क्योंकि किसके लिए लॉक लगाएं, तो घर में बस बाहर लॉक लग जाता है, और तो ऐसे सब है एलिया में तो लॉक लगा हुआ है। और ये मेरा बेड है, इधर एक छोटी सी अलमीरा है, बस गांव के तो ऐसे ही रूम रहते हैं, बस ये ऐसे ही है, बहुत अच्छा है। और फिर हम आ जाते हैं, इधर एक रूम है, ये रूम, ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के बगल में ये रूम है, तो लाइट जला देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये जैसे गांव में एक रूम ऐसा बना दिया जाता है जिसमें हम उसमें अपने सारा अनाज भी रख लें, और क्या कहते हैं जैसे ये ना यहाँ पे ना ये चावल को साफ किया जाता है, पहले गांव में ना इसे चावल को छांटा जाता है, यानी इसमें ये वो क्लियर है, और इससे ना ये साफ किया जाता है, उसके बाद उसको साफ करके, और फिर इससे इसमें साफ करने से क्या होता है ना कि चावल में कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसलिए इसे ऐसे किया जाता है। और ये है, इसमें आटा पीसा जाता है, पहले होता था मतलब है इस तरह से, तो लाइट कट गई। और इधर ये सीढ़ियां हैं, और
इधर ना ये पीछे की तरफ जाने के लिए है, वो तो अभी हम सामने से अंदर आए हैं, और ये पीछे की साइड जाने के लिए ये मेरी बाउंड्री है, और ये मेरा इधर पीछे की साइड वाला उसार है, और यहाँ भी एक रूम है। ये पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे ना, तो इसमें जब वो भैंस वैंस थी तो यहाँ पे ना दूध वो आग पे रखा जाता था, तो इसलिए यहाँ दूध और मट्ठा दही सब इसी रूम में होता था। तो ये रूम में से बंद पड़ा है, तो इसी में होता था सब। और ये बाउंड्री है, और ये देखिए कितनी जामुन, बहुत जामुन भरे हुए हैं, और सब ने जामुन ये नीचे इस तरह से बिछी हुई है। ये देखिए कितनी जामुन, मतलब पूरे बाउंड्री में इस तरह से बिछी हुई है। और ये ना यहाँ पे गांव में ना तो ये वॉशरूम यहाँ पे बनाया गया है, तो ये ना घर से दूर गांव में बनाते हैं, घर के अंदर नहीं बनाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं मानते हैं, और अच्छी चीज़ है भी नहीं। शहर में क्या है कि ऑप्शन नहीं है, तो फिर लोग घर के अंदर बना लेते हैं, पर गांव में तो ऑप्शन है, बहुत सारी जगह होती है, तो लोग थोड़ा दूर बना लेते हैं। और इस तरह से ये जामुन बिछी हुई है ना कि मैं इधर आ तो गई किसी तरह से बच बचा के, क्योंकि पैर के नीचे पड़ रहा है ना, तो अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतनी महंगी खरीदते हैं और यहाँ पे आके पैरों के नीचे पड़ रहा है, तो इसे मैं बीन तो सकती नहीं हूँ क्योंकि बहुत है, और पूरे बाउंड्री में बिछी हुई है।